जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी कोई ब्लॉग नहीं आया है। सुबह के 7 बज रहे हैं गाइज, और अभी हम आए हैं कल्टीवेटर लेकर, क्योंकि एक टांग है, आप देख रहे हैं जहाँ छुट्टू बैठा है वहाँ की टांग टूट गई थी, और कुसिया कल ले आए थे बकराजी से। कम आने वाली कुसियाँ हैं ये, इन्हें हम बदल रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, नट बोल्ट नहीं खुल रहे थे और टांग का वो काम हो रहा है अंदर। पीछे की कुसिया बदल गए हैं, आगे का खोलने का तो पानी डाल डाल के खोल रहे हैं इसको। ये भैया लगे हुए जो बोल्ट नहीं खुल रहा था इसलिए उनको कटवा रहे हैं, बाकी सब खुल गया, लग गया, और टांग लगनी बाकी है अभी। अभी पैसे भी नहीं लाया हूँ मैं तो। देख सकते हो कट गया, पापा को दे दे। ये 4 किलो ट्रैक्टर शुरू हो गया है। अभी डीजल ले आया था मैं, और फिर वहाँ पे जो कल्टीवेटर का काम करवा रहे थे तो वहाँ पूरा पैसे ऐसे जो देना था वो दे दिया था मैं। टायर चिकने हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है, और अभी चलाए नहीं है तो उतना जानकारी नहीं है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, कर रहे हैं। खाना खा लिया है मैंने, तो अभी हम लोगों ने एक ये खंड और वो झाड़ जो दिख रहा है आपको महुआ वाला, वो 2 खंड हमने निपटा दिए हैं। मैं तो खाना खा लिया था, अब छुट्टू खाएगा खाना, और अभी हमने बोनट खोल दिया है क्योंकि गर्म भी हो गई है काफ़ी। गाड़ी 3 घंटे करीब चल गई, आज दिन भर ही लग जाना है, काम करें फुर्सत पाएँ। छुट्टू भाई खाना आया है अपना, वही गर्मी वाला देहाती भोजन एकदम। हाँ बता दो थोड़ी पब्लिक को, मैं दिखा नहीं पाया था। ये है दोस्तों भाजी और रोटी, ये है राई भाजी जो गर्मी के लिए हम लोग मतलब सुखा के रख लेते, तोड़ के सुखा दी और रख लिए। और ये है हाथ की बनाई हुई एकदम मोटी रोटी, दिखा दे भाई। ये देखिए ये मोटी रोटी एकदम ताजी ताजी। और अभी आपको दिखाएंगे दलिया, ये सब्जी, ये सब्जी ये छुट्टू की थोड़ी हाथ में चोट आ गई थी इसलिए गर्म पट्टी पहना हुआ है। ये है मक्का की दलिया, भुंटा भी कहते हैं मक्का को, ये मक्का की दलिया है। इसको अपन मतलब हाथ की जो चक्की होती है जो घर में रहती है, घरेलू चक्की से पीस के, आज सुबह ही पीसी थी मम्मी और बनाई है। और ये पचने में बहुत आसान रहता है क्योंकि गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद रहती है, ये लू से बचत, कई चीज़ों से बचत। तो ये देसी भोजन हमारा, आओ आप भी खा लो। ये डाल ली हमने, कचरा तो इतना सारा है क्या बता दें, इस डब्बे पे इतना कचरा है, बहुत कचरा है। सर्दी खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा तो इसलिए
क्योंकि सर्द गर्म का नतीजा आधी टंकी भरी है। ये 3000 का डीजल, आधी टंकी। एक कुंदा है, इसका नटा ही गिर गया। वो बैटिंग हो जाती तो नया गिरता नटा, इसका बोल्ट तो लगाया वो, उसका नटा ही नहीं मिलेगा। ये जो देख रहे हो आप, ये सब हो चुका है, यहाँ बस का बाकी है। और एक ये यहाँ का बाकी, तो हम सोच रहे थे हो जाता, एक नट गिर गया, लेकिन ये वाली टांग का, ये इसका, ये यहाँ पे एक ही नट था, गिर गया। अभी तो छुट्टू ही चला रहा था, गर्मी बहुत तेज है, लेकिन अब लगा रहे हैं नट, नहीं है नहीं तो काम रोकना पड़ेगा, कुंडम जाना पड़ेगा फिर। 5:30 बज चुके हैं और अभी हम छोला में हैं, टगरा वहाँ पे निपटा के आ गए हैं, एक एक बाही जोत रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आग उस समय लगाते नहीं आ रही थी, और अभी देख रहे हैं तो पैरा ज़्यादा है। मैं चला लूँ छुट्टू, काफ़ी समय से चला रहा, थक गया होगा। गाइस कचरा था इसमें, एक बार लगा रहे थे तो नहीं लगा था, अभी देखिए क्या है। बुआ जी से पड़ गई रही डांट, डांट नहीं मतलब बोल रही थी, अब जोतने के बाद तो नहीं पकड़ पा रहा है, बाकी देख लीजिए लगे हैं। गाइस आपका आज अगले दिन भी स्वागत है। कल हम कर लिए थे, आज सुबह छुट्टू जोत के आ गया है, जहाँ जहाँ जताई रही। 2 खंड हमने पिलाव के लिए बचाए थे और अब पिलाव ले जा रहे हैं, डीजल ईजल सब ले आए थे। दोपहर के बाद ही हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तबीयत डाउन पड़ गई रही, इसलिए दिन में नहीं किए। धूप बहुत तेज़ रहती, क्योंकि बस पिलाव को लगा रहे हैं, उसके बाद निकलना है हमें, दिखाते हैं आपको आगे। इतनी न पियो न बाबा कि ये हाल हो जाए। क्या हो गया? Thank you.
शाम हो गई है, आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। इतना निपट चुका है ये यहाँ का पार्ट जो सफ़ेद नहीं दिख रहा है, और जो जो सफ़ेद है वहाँ अभी नहीं हुआ है। पुलाव में बहुत समय लगता है और इसमें तो लग जाएगा मेरे हिसाब से फिर भी 6-7 घंटे। अभी तो 3-4 घंटे ही हुए हैं, अकल आ जानी है। अभी मैं चला आ रहा था, अब छुट्टू चला आ रहा है, देखते हैं। मैं थोड़ी हो के आता हूँ, दुकान तक जाना है। गाइस रात के 9 बज रहे हैं, 8:54 हो चुके हैं और अभी लगे हुए हैं। छुट्टू चला रहा है, मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही तबीयत डाउन हो गई रही तो अभी मैंने पैरासीटामोल लिया और खेत में ही बैठा हुआ हूँ। और अभी इसका काम बच जाएगा और कल ही हो पाएगा मेरे यहाँ का पूरा। मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी लंबी मेहनत चल रही है, अभी लगे हुए हैं, काफ़ी सारा बचा है। रात में उतना ज़्यादा क्लियरली मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। अभी छुट्टू चला रहा है प्रॉपर तरीके से, और बस यही है गाइस कि आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आप लोग देख के लौट जाते हैं, अगर नहीं पसंद है तो आप कमेंट कीजिए ना, आप कमेंट कीजिए, उसमें कमेंट में पूरा बताइए मेरे को कि क्या कमी है, क्या घट रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, सारा कुछ बताइए। और बस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, क्योंकि अब रोज़ रोज़ यही नहीं दिखा सकता आपको, 2 दिन हो गया, काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।